कैसे हो दोस्तों, फूड लाइव में आपका स्वागत है। मैं रेखा साहू। आज हम बनाने जा रहे हैं बाथू का रायता और बाथू के पराठे। ये बाथू के पराठे इसलिए इस टाइम बनाते हैं कि सर्दियों में ही ये बाथू आता है, और सीजन में तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन बाथू नहीं मिलता है। तो ये बाथू मैंने लिया है आधी किलो और साफ़ करके मैंने रख रखा है ये। अब इसको मैं इसको तीन पानी से इसको धोऊंगी, और तीन पानी से इसलिए धोना चाहिए, इसमें मिट्टी बहुत होती है। पालक हो गई, मेथी हो गई, उसमें मिट्टी कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम तीन पानी में धोते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको धोना शुरू करते हैं। इसको हम ऐसे दबा दबा के धोएंगे, और थोड़ा थोड़ा हम ऐसे लेके इसको, इसमें जो मिट्टी होती है नीचे बैठ जाती है। अगर सारा हम इकट्ठा उठा लेंगे तो मिट्टी इसके अंदर साथ आ जाएगी। इसे थोड़ा थोड़ा उठाएंगे हम। देखिए मिट्टी का पानी कितना है इसके अंदर। ये पहला पानी है, दो पानी से हम और धोएंगे। ये तीसरा पानी है इसके अंदर। ये तीन पानी से मैंने धो लिया। देख लिए पानी कितना साफ़ है ये। अगर आपको लगता है तो आप एक पानी से और धो सकते हैं इसको, वैसे तो ये साफ़ हो चुका है। तो इसको हम, ये धुल के साफ़ हो गया है बाथू, इसको हम अब उबलने के लिए रखते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी इसलिए डालेंगे कि नीचे लग ना जाए। इसको 10 मिनट तक हम इसको उबालेंगे, उबलने के लिए रखते हैं इसको। बाथू हम देख लेते हैं, एकदम ठीक उबल गया है ये। इसको हम टोकरी में छान लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ, जब तक ये ठंडा हो रहा है। ये मैंने रायते के लिए और पराठों के लिए मसाले लिए हैं। ये पराठों के लिए मैंने एक चम्मच अजवाइन लिए, नमक स्वाद अनुसार, और ये लाल मिर्च पाउडर, और ये चीज़ें मैंने रायते के लिए लिए। ये मैंने आधा चम्मच हींग लिए, आधे चम्मच से भी कम है हींग। ये काला नमक है, और ये भुना हुआ जीरा है, और ये 250 ग्राम मैंने दही ले रखा है, मीठा खट्टा दही नहीं है ये। ये ठंडा हो चुका है एकदम। इसको हम मिक्सी में पीसेंगे। इसको हम पीस लेंगे। ये पीस गया है, और एकदम बारीक पीसा है हमने इसको। मोटा मोटा नहीं पीसना, एकदम बारीक पीसना है। तो इसको हम कटोरे में निकाल लेते हैं। ये मैंने 250 ग्राम आटा लिया है, और हम पराठों का आटा तैयार करेंगे। आटे में हम क्या क्या चीज़ डालेंगे, एक चम्मच हम मिर्च पाउडर डालेंगे, और नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, और ये अजवाइन है, और अजवाइन को हम थोड़ा सा हाथ से ऐसे मसल लेंगे, उसके बाद हम इसको डालेंगे। अब ये पिसा हुआ बाथू इसमें डालेंगे। और इतना बाथरूम रहने देंगे रायते के लिए आधा। अब इसको हम पहले मिला लेंगे। पहले अच्छी तरह इसको मिला लेंगे, उसके बाद हम इसमें
पानी मिलाएंगे। अगर हमने साथ के साथ पानी डाल दिया तो ये आटा गीला हो जाएगा और अच्छी तरह गुन नहीं पाएगा। ये इसको हम ऐसे दबा दबा के गूंदेंगे। ना हमने ये ज़्यादा टाइट गूंदना है ना ही ज़्यादा गीला गूंदना है, नॉर्मल हमने आटा गूंदना है। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ऐसा पानी छटक के डालेंगे ऐसा। हम साथ के साथ गूंथते भी जाएंगे और साथ के साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। थोड़ा सा पानी हम हाथों में लगाएंगे और इस आटे को हम 5 मिनट के लिए ऐसे फूलने के लिए रख देंगे ऐसे। और जब तक हम बाथू का रायता तैयार करते हैं इसको हम ऐसे 5 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे। अब हम रायता तैयार करेंगे। दही को हम ऐसे फेंट लेंगे। एक से दो मिनट तक हम इसको ऐसे ही फेटेंगे। दही अच्छी तरह फिट गया है। इसके अंदर हम बढ़िया फिट गया एकदम। इसके अंदर हम ये बाथू डालेंगे। फिर हम इसको ऐसे ही चलाएंगे। ये गाढ़ा ज्यादा है, हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये दोनों चीज़ें इसमें मिक्स हो चुकी हैं। पतला गाढ़ा आप अपने अपने अंदाज से रख सकते हो कि आपको ज़्यादा रायता गाढ़ा चाहिए या पतला चाहिए। इसके अंदर हम ये काला नमक डालेंगे और रायते में काला नमक ज़रूर डालना चाहिए। और थोड़ा सा हम ये जो हम लोग खाते हैं वो नमक डालेंगे। ये लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये जीरा है भुनावा, ये हम जीरा डालेंगे इसके अंदर। ये चीज़ें हम सारी मिक्स करेंगे और फिर हम इसका तड़का बनाएंगे। ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है रायते में। अब रायते का हम तड़का बनाएंगे। ये कढ़ाई गरम हो चुकी है तड़के की। इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे।
सबसे पहले हम इसमें हींग डालेंगे ये, और हींग के बाद थोड़ा सा रायदाना डालेंगे। हींग तैयार हो गई है भुनके, अब इसको हम रायदाना डालेंगे। चटकता है बहुत। ये दोनों चीज़ें तैयार होगी, अब इसमें हम ये लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। गैस हम बंद कर देंगे, यही मसाला तड़का हम रायते में डालेंगे। ये रायता एकदम तैयार है। कलर भी अच्छा आया है इसके अंदर। रायता तो तैयार हो चुका है, अब हम पराठे की तैयारी करते हैं। इस आटे को थोड़ा सा हम पानी का हाथ लगाएंगे और आटा तैयार है। इसको थोड़ा सा गूंदेंगे और ऐसे इसमें हम मुक्की मारेंगे। मुक्की मार के बढ़िया आटा एकदम तैयार हो जाता है। आटा बिल्कुल तैयार है, कुंद के एकदम बढ़िया गूंदा है ये। इसके अंदर हम ये सूखा आटा डालेंगे। ये पत्थर एकदम साफ है और हम इसके लोई बनाएंगे। ना ज़्यादा हमने मोटी लेनी है, ना ही ज़्यादा छोटी लेनी है लोई। इसको दबा के हम ऐसे इसमें सूखा आटा लगाएंगे और ये इसको हम ऐसे गोल गोल करके बेलेंगे और एक दफ़े हम सूखा आटा और लगाएंगे। इसको घुमा घुमा के हम इसको ऐसे ही बेलेंगे। ये तैयार है, इसको हम दो दफ़े ऐसे फटकी मारेंगे। तब मैंने पहले ही गरम करने रख रखा था, ये हम इसमें डाल देंगे ऐसे। जब तक ये सिक रहा हम दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं। इसको हम पलट देंगे ऐसे, एकदम बढ़िया सिका है। अब इसके अंदर हम ऐसे ही तेल लगाएंगे, चारों तरफ घुमा के। इसको हम ऐसे ही पलट देंगे और गैस हम धीमी कर देंगे। इसको हम चारों तरफ से ऐसे दबा के सेकेंगे। पराठा तैयार, ऐसे ही हम सारे पराठे बनाएंगे। इसको हम ऐसे रख देंगे साइड में और सारे पराठे हम ऐसे ही बनाएंगे। बाथू का रायता, बाथू के पराठे तैयार हैं और ये पराठे बहुत आसान है बनाने। आपने और भी पराठे खाए होंगे, आलू के खाए होंगे, गोभी के खाए होंगे, मूली के खाए होंगे, लेकिन आप ये पराठे भी ट्राई करिए, बहुत टेस्टी बनते हैं और बनाने भी बहुत आसान है।
तो ये पराठे की वीडियो कैसी बनी है आप कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।